इधर मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के घर से करोड़ों कैश की बरामदगी मामले में प्रत्याशी निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है। निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से राज्य को लूटने का काम किया है। साथ ही कहा कि राज्य के मंत्री राज्य को लूट कर आलाकमान को भेजने का काम करते हैं। 6-7 महीने पहले वीरेंद्र राम के यहाँ रेड हुई थी, इंजीनियर के यहाँ, उसके यहाँ एक डायरी पकड़ाई थी, उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था कि ये सभी टेंडर मैनेज करते हैं। और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, इसकी तो जाँच होनी चाहिए। दो काम कर रहा है, एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है, आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आलाकमान को पहुंचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, गिट्टी मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। दूसरा जो आलमगीर आलम कर रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाईबासा में कहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 24% हुआ, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत का नागरिक बना रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, तो आप समझिए 36% से 24% हो गया। और उस सिंडिकेट में आलमगीर को पैसा भी मिल रहा है और पूरा पाकुड़ जिला, साहेबगंज जिला, गोड्डा जिला, जामताड़ा जिला जो है उसकी पूरी डेमोग्राफी